पर ही अलग तरीके से देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च को लेकर बड़ी खबर है। ट्रैक्टर मार्च भी किसानों के जरिए निकाला जा रहा है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गणतंत्र दिवस के दिन 3 रूट दे दिए गए हैं किसानों को, जहां से किसानों की ट्रैक्टर रैली होकर गुजरेगी। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से यहीं से ट्रैक्टर परेड किसानों के जरिए निकाली जाएगी। किसानों का करीब 100 किलोमीटर परेड निकालने का प्लान है। विजुअल आपको दिखा रहे हैं, 3 रास्ते हैं वो भी हो चुके हैं। इंजन की हंकार राजधानी है तैयार, संगीनों का साया है मोल्डो में धमकाया। जी 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि 4 तरफ के डेवलपमेंट्स इस पर देश भर में क्या हो रहे हैं, क्या उसके अपडेट्स हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिन भर ये 4 खबर जो है वो सबसे लीड खबर होगी। ट्रैक्टर रैली के जरिए किसान सीधे सीधे सरकार को एक बार फिर से संदेश देना चाहेंगे, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी कि कहां कहां से ये ट्रैक्टर परेड किसानों के जरिए निकाली जाएगी, क्या इंतजाम है, कितने ट्रैक्टर्स उस दिन सड़कों पर होंगे। किसानों ने कहा है कि करीब करीब 1,00,000 ट्रैक्टर हम निकालेंगे इस ट्रैक्टर परेड में, जिस पर तिरंगा झंडा हर ट्रैक्टर पर लगा होगा। गाजीपुर बॉर्डर से 1,000 ट्रैक्टर्स निकलने वाले हैं, सिंघू बॉर्डर से 5,000 ट्रैक्टर्स निकलेंगे। 15 से 18 किलोमीटर तक सभी ट्रैक्टर स्पीड में होंगे। सिंघू बॉर्डर से निकला मार्च 62 किलोमीटर तक चलेगा, टिकरी बॉर्डर से निकला मार्च 64 किलोमीटर चलेगा, गाजीपुर बॉर्डर से निकला मार्च 46 किलोमीटर तक चलेगा। और ऐसे में किसानों का ट्रैक्टर मार्च कुल मिलाकर करीब करीब 170 किलोमीटर के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। ट्रैक्टर मार्च 100 किलोमीटर दिल्ली के अंदर होगा, लेकिन किसान जो अभी ताजा अपडेट है, किसान कह रहे हैं जो रूट दिया है ना उससे हम संतुष्ट पूरी तरह से नहीं है, और आज ही 12 बजे किसानों के जरिए ट्रैक्टर परेड को लेकर रूट साझा भी किया जाएगा। किसान बताएंगे किस किस रूट से कितने ट्रैक्टर कैसे इस ट्रैक्टर परेड में निकलेंगे। आप जान लीजिए रूट क्या कुछ तय किया गया है। ट्रैक्टर रैली टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में एंट्री करेगी। टीकरी से 63 किलोमीटर, सिंघू से 62 किलोमीटर तक रैली निकालने की इजाजत किसानों को मिली है। गाजियाबाद बॉर्डर से 46 किलोमीटर तक रैली निकालने की इजाजत है। सिंघू बॉर्डर की रैली कंझावला, बवाना, औचंदी बॉर्डर होते हुए सिंघू पहुंचेगी। टिकरी बॉर्डर से निकलने वाली ट्रैक्टर रैली पहले नांगलोई जाएगी, नजफगढ़ वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए वापस टिकरी पहुंचेगी। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होने वाली रैली 56 फीट रोड से शुरू होगी, फिर उसके बाद कोंडली, गाजियाबाद, पलवल एक्सप्रेसवे से होते हुए फिर से गाजीपुर में लौट आएगी। किसान लंबे वक्त से मांग ट्रैक्टर परेड को लेकर कर रहे थे, इसमें अधिकारियों को काफी माथापच्ची भी किसानों के साथ करनी पड़ी। 5 से 6 राउंड की बैठक हुई, उसके बाद कल देर शाम दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि ट्रैक्टर परेड को लेकर जानकारी दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि कैसे ट्रैक्टर परेड को लेकर तैयारियां हैं। राकेश, आखिरकार हम कह सकते हैं कि जब पूरे 2 महीने हो गए, 2 महीनों के बाद किसानों की कम से कम एक मांग पर मोहर लग गई, कह दिया गया कि आप ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं। कौन कौन सा वो रूट होगा, कितनी संख्या में ट्रैक्टर निकाल रहे हैं, साथ ही साथ चुनौती इसलिए भी रहेगी क्योंकि लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलग अलग इनपुट्स दे रही हैं। देखिए, जिस बात को अंदेशा था और दिल्ली पुलिस और किसान संगठन के नेताओं के बीच बातचीत में यह तय किया गया कि 3 रूट से जो ट्रैक्टर रैली है वो निकलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, इसके जरिए जो है किसान की ट्रैक्टर रैली जो है वो दिल्ली में घुसेगी, लेकिन एक नियमित किलोमीटर की दूरी तय की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरह से खुफिया एजेंसियों ने इस बात की जानकारी दी है, जिस तरह से आपने देखा कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दीपेंद्र पाठक ने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान से 308 ट्विटर हैंडल चल रहे हैं और जिसमें गड़बड़ी की आशंका है, और ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए तमाम जो है सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरे एहतियात के तौर तरीके से ईजाद करते हुए जो किसानों की ट्रैक्टर मार्च को मंजूरी दी है। राकेश, एक चीज और समझना चाहूंगा, 26 जनवरी को लेकर अलर्ट्स भी बहुत है, चाहे वो अयोध्या हो, दिल्ली हो, बोधगया हो, इसके लिए भी इंटेलिजेंस इनपुट आया है। साथ ही साथ जो ये ट्रैक्टर रैली है इसको लेकर भी इनपुट है। दिल्ली में कैसे पावर स्टेशन पर हमला हो सकता है, पावर गुल की जा सकती है, इसको भी लेकर इनपुट है। स्पेसिफिक इनपुट क्या क्या है और आगे आने वाले दिनों में सरकार कैसे डील करेगी इन सब चीजों से? देखिए रजत, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली की जहां तक बात किया जाए, ब्लैक
दिल्ली करने के लिए पूरी तौर पर साजिश, सीक फॉर जस्टिस जो कि एक ऐसा संगठन है जो कि लगातार खालिस्तान की मांग करता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बिंदु उठाता रहा है, लेकिन किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसका फायदा उठाने के लिए पूरी तौर पर ये संगठन जो कोशिश कर रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये अलर्ट किया गया है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के पास जानकारी है कि इस तरह का जो है कार्रवाई कर सकता है ये संगठन, और इसीलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए जो पंजाब के रास्ते जो हैं, कई आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के कई गांवों से जो किसान दिल्ली की ओर आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में गांव में के जरिए जो हैं आतंकी भारतीय सीमा में। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राकेश बता रहे हैं क्या क्या इंटेलिजेंस इनपुट है और सुरक्षा कैसे देश भर में और खास तौर से दिल्ली में बढ़ा दी गई, और ऐसे में किसानों के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि किसी भी तरह की हिंसा या फिर हंगामा ना हो, क्योंकि अपनी जिद पर किसान ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं। ऐसे में सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली की तैयारियां क्या कुछ हैं, जायजा लिया एनडीए न्यूज संवाददाता आदित्य नायर ने। आज 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं किसान आंदोलन के दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे हुए, और अब किसानों का जो भी फोकस है वो पूरी तरीके से ट्रैक्टर मार्च में ही है। किसानों का कहना ये है कि अब केंद्र से बात करके ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ने वाली है। किसानों ने जो केंद्र की तरफ से दिया हुआ प्रपोजल था वो ये कहते हुए कि 1.5 साल तक ये पूरे कानूनों को रोका जाएगा, उस प्रपोजल को कैंसिल कर दिया, उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। और किसानों का कहना ये है कि अब जो बात है वो सिर्फ इस बात पर रहेगी कि क्या तीनों कानून वापस लिए जाएंगे या नहीं। केंद्र का कहना यह है कि अब जो बॉल है उन्होंने अपनी तरफ से फाइनल प्रपोजल दे दिया है, अब जो बॉल है वो एक तरीके से किसानों के हाथ में ही है। द बॉल एज से इज इन द फार्मर्स कोर्ट, एंड अब किसानों को डिसाइड करना है, किसान नेताओं को डिसाइड करना है कि उन्हें केंद्र का फाइनल प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या नहीं। वो दूसरी तरफ किसानों का फोकस जो है, जैसे मैंने बताया, ट्रैक्टर मार्च पे है, और उनका इस फोकस इस पे है कि कैसे केंद्र पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाया जाए, और कैसे केंद्र को अपनी अगर केंद्र की बात नहीं मानती है तो केंद्र से ये प्रेशर बना के केंद्र से अपनी बात मनवाए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। देखिए कल आखिरकार दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किसानों को रूट दे दिया गया है, अब किसान निश्चित सीमा में ट्रैक्टर्स के साथ ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं, लेकिन निश्चित रूट्स पर ही जाना होगा ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक न रह जाए। हालांकि किसान बार बार कह रहे हैं सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं होगी, अगर हमारे बीच में कोई भी असामाजिक तत्व है तो आप लोग पहचानिए और उन्हें जेल में डाल दीजिए। योगेंद्र यादव ने भी कहा था कि अब किसानों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़े और ट्रैक्टर परेड निकाले।